अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 2015-16-17 मॉडल करोला जो कि इस वक्त हमारे पास वर्कशॉप में आई है, ये इस्लामाबाद से आई है। इस गाड़ी के अंदर जो है वो कैम्बर का प्रॉब्लम है। ये गाड़ी पीछे से टायर के ऊपर जो है ना लगी थी, और ये जिसको हम लोग ये चेंज करवाना चाह रहे हैं, जिसका पीछे वाला जो ट्यूब है, तो इसको हम लोग अभी रिपेयरिंग के लिए भेजेंगे, क्योंकि इसका जो अपना ट्यूब है वो तकरीबन कोई 30 से 35 हज़ार रुपये का है। तो हम ये जो जगह है ये इसका टेढ़ा है, जिसकी वजह से इसके व्हील के कैम्बर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो व्हील के कैम्बर में इसके जो प्रॉब्लम आ रहा है वो गाड़ी की अलाइनमेंट सही नहीं हो रही, और पीछे से टायर का भी प्रॉब्लम चल रहा है कि टायर टेढ़ा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी के ये कस्टमर जो है ये शोरूम वाली गाड़ी और गाड़ी वो बेचना चाह रहे हैं, तो इसमें ये मसला आ रहा है। तो देख रहे हैं कि हम लोग इसका सामान खोल चुके हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम लोग खोल चुके हैं इसके अभी तक। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको सिर्फ वीडियो में ये दिखाना चाहते हैं, अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है तो ये रिपेयर भी हो सकता है, सिर्फ इसमें रिप्लेसमेंट की मतलब ज़रूरत नहीं है। तो जो खोलने का जो तरीक़ेकार है वो आप हम आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहे हैं कि ये किस तरह खुलता है, जो प्रॉब्लम होता है, ये जो पुर्जा है, जो ये पार्ट्स है जो आप देख रहे हैं कि हम बाहर निकाल रहे हैं, इस पार्ट्स में प्रॉब्लम होता है इसका, क्योंकि इसके कैम्बर का इसी के अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई गाड़ी अगर साइड से कोई डैमेज हो जाती है, टायर के ऊपर चोट लग जाती है, तो ये टेढ़ा हो जाता है। उसके टेढ़ा होने के बाद, क्योंकि अगर हल्की डैमेज होती है, तो आप सेट में जो प्लेट देख रहे हैं जिसमें 4 सुराख है, जो लोहे की प्लेट है, ये टेढ़ा हो जाता है, और जिसकी वजह से व्हील के कैम्बर में मसले आते हैं, टायर आगे या पीछे या ऊपर या नीचे, इसमें मसला आता है। तो ये जो पार्ट्स था वो हम सीधा करवा के ला चुके हैं, ये हम लोग खैरात मशीन वाले से सीधा करवा के ला चुके हैं। तो इसके ऊपर बहुत कम खर्चा है, अगर हम इसको रिप्लेस करते तो 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा था बग़ैर लेबर चार्जेस के। तो ये हम लोगों ने वहाँ से रिपेयर करा है, जिसमें से इसके ऊपर हमारे सिर्फ 5 हज़ार रुपये इसके ऊपर खर्चा है रिपेयरिंग करने का, और हम ये देख रहे हैं कि हम वापस फिट कर रहे हैं। तो ऐसी वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो आपकी गाड़ी के अंदर मसले मसाइल हो, जो भी हो, तो आप हमके कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपके लिए ये वीडियो बनाते रहते हैं, इसलिए कि जो कस्टमर होते हैं उनके लिए आसानी हो, और उनको गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको अपनी गाड़ी के बारे में काफ़ी मालूमात हो। तो हमारे सिर्फ मकसद यही होता है आपके साथ ये काम दिखाने के लिए, कि जो आपके लिए और मकैनिकों में मसले मसाइल आते हैं, जो आपके लिए मसले मसाइल बना सकते हैं, जिसको एक छोटे सी चीज़ के लिए बड़े बड़े मसले के तौर पे पेश करते हैं, तो आप हमारी वीडियो के ऊपर आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि आप को आसानी होगी। तो देख आप जैसे देख रहे हैं कि देखें वापस ये हम लोग वापस फिटिंग कर रहे हैं, और ये हम फिटिंग कर चुके हैं तकरीबन सब चीज़ें। तो ये जो आपको ब्लैक कलर का जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम लोग हम लोगों ने नया नहीं लगाया है, ये हम लोग पुराना फिट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसको धो लिया है तो इसकी वजह से आपको ये ब्लैक कलर में इस तरह नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा, आप पूरी फिटिंग देखिएगा कि हम ये किस तरीके से फिट हो रहा है। अगर आप घर में खोलना चाहते हैं तो आप इसको घर में भी खोल सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं, इसमें ब्रेक का मसले भी आते हैं, और इसमें शॉक अब्जर इसके साथ फिट होते हैं, क्योंकि शॉक वगैरह का जो जंपिंग का मसला होता है, फिर इसके अंदर ये ट्रैक्शन जो है लगा हुआ है, रॉड वगैरह लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ फिट होने के बाद देखें कि हमने टायर वापस फिट कर रहे हैं, एक साइड का टायर फिट कर रहे हैं, अभी दूसरी साइड की फ़िटिंग करेंगे। तो देख आप नीचे से देख सकते हैं कि पूरी फिटिंग हो चुकी है गाड़ी के अंदर, और ये एक गाड़ी वाला अभी हम इसके बाद इसको अलाइनमेंट वाले के पास लेके जाएंगे, तो इसके अलाइनमेंट करवाएंगे, लेकिन इसमें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अब दूसरी साइड की फ़िटिंग कर रहे हैं, और गाड़ी तकरीबन फिट हो चुकी है, गाड़ी की आखिरी फ़िटिंग है इंशाल्लाह। तो आपको कोई भी गाड़ी का मसला हो तो आप हमें व्हाट्सअप के नंबर पे, जो हमारे फ़ोन पे नंबर पे व्हाट्सअप हैं, इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिसमें हम आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या मसाइल आपकी गाड़ी में, हम आपको वीडियो बनाएं। जैसे कि आपने देख लिया कि गाड़ी की फ़िटिंग हो चुकी है, इसके बाद हम गाड़ी को नीचे उतार के इसके ऊपर ट्राई करेंगे। हमने इसकी चेक कर लिया कि टायर इसके हम लोग साइड से देख चुके हैं कि बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अलाइनमेंट वाले के पास, कंप्यूटर अलाइनमेंट वाले के पास इसको लेके जाएंगे। तो हमने इसमें बहुत कोशिश की कि इसमें कम से कम खर्चा आए, क्योंकि इसका जो अपना ट्यूब था, जो पार्ट्स था, वो बहुत महंगा था, इस मॉडल का महंगा है, लेकिन इसके जो पुराने मॉडल है वो भी इसमें लग जाते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि छोटे चीज़ें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है पुराने 12-13 मॉडल में और इसमें, तो ये उसमें मामूली से फ़र्क की वजह से वो